हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे रैनटैक टैबलेट के बारे में। इसके यूजेस, प्रिकॉशंस और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसके क्या क्या यूजेस है। ये हम यूज़ करते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में, यानी कि जिसमें हमारा जो एसिड है, स्टमक एसिड, वो बैक हो जाता है हमारे फूड पाइप की तरह। और एसिड रिफ्लक्स में, हार्ट बर्न में, यानी कि हार्ट में जलन सा फील होना, और पेप्टिक अल्सर्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके क्या क्या मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं? ये हेल्प करता है जो स्टमक एसिड है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड होता है हमारे स्टमक में, उसे कम करने में ये हेल्प करता है। ये प्रिवेंट करता है स्टमक अल्सर्स से, जैसे कि पेप्टिक अल्सर्स हैं या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसे हम गर्ड कहते हैं, यानी कि जिसमें इस कंडीशन में हमारा जो एसिड है वो फ्लो बैक होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ, जिसकी वजह से फिर पेन होना स्टार्ट होती है। और इसे हम यूज़ करते हैं ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, यानी कि इस डिजीज़ में क्या होता है, जो हमारा स्टमक है वो ज़्यादा अमाउंट में जो एसिड है वो प्रोड्यूस करता है, जितना बॉडी को ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा वो एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है। नंबर फर्स्ट, हेडेक हो सकता है, यानी कि सर में दर्द, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और स्टमक में पेन हो सकती है। इसके क्या क्या प्रिकॉशंस है। अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अल्कोहल अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपको और भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, डॉक्टर कंसल्टेशन के बिना ये मेडिसिन यूज़ ना करें। और अगर आपको ड्राइविंग करनी है और उससे पहले आपने रैनटैक टैबलेट यूज़ करी है, तो आप ड्राइविंग अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपको डिजीनेस, यानी कि चक्कर आ सकते हैं, नींद आ सकती है। और अगर आपको किडनी या लीवर प्रॉब्लम्स है, तो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना। अगर आपको यूज़ करनी है तो डॉक्टर को पहले ज़रूर बताएं कि आपको लीवर या किडनी प्रॉब्लम्स है। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।